से साधु यहाँ पर जीव द्रव्य की चर्चा पूरी हो गई और जीव द्रव्य की चर्चा पूरी हो जाने के बाद अजीव द्रव्य की चर्चा प्रारंभ हुई है और अजीव तत्व की चर्चा अजीव द्रव्य की चर्चा प्रारंभ होते हुए ये दर्शाया गया है कि अजीव जो द्रव्य है वो पुद्गल है, धर्म है, अधर्म है, आकाश है और काल है। ये पांच अजीव द्रव्य कहलाते हैं और जो पुद्गल द्रव्य है उसमें रूपादि गुण, रूप रस ये चार गुण पाए जाते हैं, इसलिए वह पूर्तिक कहलाता है। और शेषादु जो धर्म, अधर्म, आकाश और काल ये चार द्रव्य हैं, इनमें रूप रस गंध वर्ण नहीं पाया जाता है, इसलिए इसको अमूर्तिक कहते हैं। इस प्रकार की चर्चा कल हमारे बीच में आई। अब आज जो पुद्गल द्रव्य है, जिस पुद्गल द्रव्य में रूप रस गंध और वर्ण पाया जाता है, उनकी कुछ पर्यायों की चर्चा हमारे बीच में की जा रही है कि हम पुद्गल द्रव्य को किस प्रकार से जान सकते हैं, उसको किस प्रकार से पहचान सकते हैं। अब पुद्गल द्रव्य की जो पर्याय हमारे बीच में बताई जा रही है, उन पुद्गल द्रव्य की पर्यायों को जानकर समझकर जो ज्ञानी जीव अगर राग द्वेष की प्रगति को नहीं छोड़ पाया, ध्यान रखना, जब आपको पता है बहुत स्वादिष्ट दूध आपको दिया जाए और स्वादिष्ट दूध में आपके हाथ में आने के बाद आपको ये कहा जाए कि इसमें कुछ जहरीला पदार्थ मिला है, जहरीला पदार्थ मिला है, धोखे से एक बूंद जहर की इसमें गिर गई है, तो उस दूध को आप ग्रहण करोगे क्या? नहीं ग्रहण करोगे। और उसके बाद भी यदि उस दूध को आप ग्रहण करते हैं तो उसमें दूध का कोई दोष नहीं, जिसने आपको जानकारी दे दी उसका भी कोई दोष नहीं है, दोष केवल आपका है कि आप जानकारी होने के बाद भी उस दूध को आपने ग्रहण कर लिया। तो यहाँ पर जो पुद्गल द्रव्य है, जो मूर्तिक है, उस मूर्तिक द्रव्य की कुछ पर्याय बताई है कि हम पुद्गल द्रव्य को कैसे जाने, किन रूपों में जाने। तो पुद्गल द्रव्य की चर्चा करते हुए गाथा नंबर 16 हमारे बीच में आती है। और जब 16 नंबर की गाथा हमारे बीच में आती है और उस गाथा की चर्चा जब हमारे बीच में प्रारंभ होती है, तो वेद विज्ञान कर लेना। वेद विज्ञान शब्दों से नहीं होता है, बोलने से नहीं होता है, वेद विज्ञान होता है प्रैक्टिकल रूप में। जब हमारा और आपका जीवन यदि प्रैक्टिकल रूप में होता है तो फिर आनंद आता है। क्यों ये? अब सामने वाले कहेंगे भैया आनंद है नहीं, अक्षय है, एक के पापा का नाम ले लेते हैं, आधे चाचा भतीजे हैं, आप समझते होंगे कि बाप बेटा है, पर ऐसा नहीं है। ये तो सामान्य बोलचाल की भाषा है। सामान्य बोलचाल की भाषा में सामने वाले का कुछ भी नामकरण कर दिया जा सकता है, सामने वाले को कुछ भी नाम कह के बुलाया जा सकता है। पराया करके घर में रहने वाले जो पुरुष वर्ग रहते हैं उनका महिलाएं नाम अगर लेती है तो या तो अपने बच्चे का नाम लेके बुलाएगी, क्या बोले, मानी जो अपने बच्चे का नाम होगा वही अपने पति देव का नाम रख देंगी,
और वही बच्चे का नाम लेके बुलाएंगे कि सुनो तो अक्षत भाई। अब अक्षत भाई को नहीं कहा जा रहा है, किसी और को कहा जा रहा है। तो ये व्यवस्था है, तो कुछ भी नाम लिया जा सकता है, कुछ भी नाम से संबोधन किया जा सकता है। अभी टीकमगढ़ में थे, टीकमगढ़ में एक परिवार माने जिसको कहा जाए बहन वही रह रही है, बहन वही रह रही है। कहाँ रह रही है? जहां की रहने वाली थी वहां। अब जब वहां की रहने वाली थी, शादी होने के बाद में उन्होंने उसी मकान में उनको रख लिया, आधा हिस्सा एक दुकान तुम चलाओ हम चलाएंगे। अब बड़ी बहन थी, मतलब बहन तो बड़े भाई से छोटी थी, पर शादी पहले हुई, शादी बहन की पहले हुई। तो जब बहन की शादी पहले होगी तो स्वाभाविक है कि पहले होंगे। अब जब बहन की शादी हो गई, उनके बच्चे हो गए, और बच्चों ने अपनी मम्मी को क्या कहा? मम्मी। अपने पापा को क्या कहा? पापा, डैडी। और भाई के जो बच्चे हुए तो उन बोलते हुए को क्या सुन रहे हैं? बहन के बच्चे अपनी मम्मी से, अपने पापा से क्या बोल रहे हैं? मम्मी और डैडी और पापा। और भाई के बच्चे होने पर क्योंकि तो थोड़ा सा ही तो फर्क रहेगा, एक साल के फर्क रहेगा, तो सामने वाला जिन बच्चों के साथ में वो खेल रहे हैं तो भाई के बच्चे भी वो मम्मी बोल रहे हैं तो वो भी क्या बोलेंगे? मम्मी बोलेंगे। वो डैडी बोल रहे हैं तो वो भी क्या बोलेंगे? डैडी बोलेंगे। अब ये तो उस समय की बात थी, लेकिन मम्मी डैडी के वो संस्कार आज 20 साल के बच्चे हो गए तो भी क्या बोलते हैं उनको? मम्मी डैडी, मम्मी डैडी। अरे भाई तुम्हारे ये मम्मी डैडी है क्या? तो नहीं, लेकिन बोल चाल की भाषा है कि किसको मम्मी बोलना किसको डैडी बोलना। जो मम्मी है जो पापा है उनको मामी बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने सिखाया कि ये तेरी मामी है, ये तेरे मामा है। तो जो माँ है जो पिता है उनके लिए तो वो मामा मामी बोलते हैं, और जो बुआ है और जो फूफा है उनको मम्मी और डैडी बोलते हैं। तो जिनको नहीं मालूम और उनके सामने यदि वो बोलेंगे तो यही तो होगा कि यही इनके मम्मी पापा होंगे। तो ऐसा नहीं, ये केवल नामकरण जो होता है केवल बोलने के लिए होता है, सामने वाले को समझाने के लिए होता है कि आपकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। चार जने यहाँ पर बैठे हुए, अब मान के चलो सामान्य चर्चा चलती है, विशेष चर्चाएं जब भी चलती है, जब सामान्य चर्चा चल रही थी और मैं नहीं जाता था तो सामने वाले से पूछा आजकल पप्पू के क्या हाल चाल है। मेरे को पप्पू का अर्थ नहीं मालूम था, जब मेरे को पप्पू का अर्थ नहीं मालूम था तो मेरे को आश्चर्य हुआ, यदि आप पप्पू के बारे में पूछ रहे तो मैं किस पप्पू के बारे में बताऊं आपको? जब मेरे को पता नहीं है कि किस पप्पू के बारे में आप पूछ रहे हो, तो जब उन्होंने प्रश्न किया तो मैंने उनसे और पूछना चाहा कि भाई आप किस पप्पू के बारे में बात कर रहे हो, तब उन्होंने बताया कभी 1.5-2 साल पहले पता पड़ा कि पप्पू माने कौन। तो जब पता पड़ता है अब उसके बाद में आप कोई चर्चा करें तो सीधे समझ में आ जाता है कि पप्पू माने कौन, अब समझ में आ जाता है कि चौकीदार माने कौन, अब समझ में आ जाता है कि नमो नमः का अर्थ क्या है, नमो नमः का अर्थ क्या है, पहले समझ में नहीं आया था नमो नमः का अर्थ क्या है। अरे नमो नमः का अर्थ है नरेंद्र मोदी, पहले नहीं मानो तो कहने का अभिप्राय यही है कि ना माने नरेंद्र, नो माने मोदी, पप्पू माने पप्पू। तो कहने का अभिप्राय है कि सामने वाले को कुछ भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, शब्दों के माध्यम से पहचान होती है। उन शब्दों के माध्यम से होने वाली पहचान में जो भाव की प्रगति है, ज्ञानी जीव उससे बचने की कोशिश करता है। तो गाथा आती है सत्तो बंदो सुमो चूलो संतान भेद तम छाया,
अब ध्यान रखिए, ये पुद्गल द्रव की पर्याय है और पुद्गल द्रव की पर्यायों के नाम बताने पर अगर इन शब्दों के माध्यम से आपके अंदर राग भाव आ जाए, आपके अंदर द्वेष भाव आ जाए, तो इसका मतलब यह है कि इस पुद्गल को आपने अपना समझा है ना। जो पुद्गल की चीजें हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, उन पुद्गल की पर्यायों को आपने अपना समझा, तो इसका मतलब यह है कि आपने जीव और शरीर के भेद को अभी जाना नहीं है। अब कब अपना समझना और कब अपना नहीं समझना, ये विषय ध्यान है। इन शब्दों की पुद्गल की पर्यायों को आप अपना कब समझे और कब नहीं समझे, ये आज विशेष चर्चा है। तो पहले उनके नाम, सबसे पहले सत्तो, सत्तो माने शब्द, सत्तो माने शब्द। दूसरे नंबर पर है बंदो, बंदो माने बन, इनकी व्याख्या भी चले। तीसरे नंबर पर सोमो, सोमो माने सूक्ष्म। फिर उसके बाद में थूलो, थूलो माने स्थूल मोटा। फिर संतान, संस्थान। फिर भेद माने भेद, तम माने अंधकार, छाया छाया, उत्पाद उद्योत माने कांति, और उद्योत के बाद आतप प्रकाश। इनसे सहित है, सहया माने सहित है। कौन पुद्गल से बच जाया, जो पुद्गल द्रव्य है उन पुद्गल द्रव्य की ये पर्याय है। और जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे तो उसमें इसमें थोड़ा सा अंतर जानना। जब तत्वार सूत्र पढ़ेंगे उस सूत्र को रखना, सत्तो बंदो सोमो जो आप शब्द है, शब्द बंद स्पर्शादि जो शब्द है, उस सूत्र को रखना और इस गाथा को रखना, और दोनों के रखने के बाद में अंतर बताना कि दोनों में क्या अंतर है। शब्द, अब देखना सबसे पहली पर्याय है शब्द। शब्द दो प्रकार के हैं, एक आपको मीठे लगने वाले और एक आपको खराब लगने वाले। अच्छे लगते हैं शब्द, उससे आपको अच्छा लगता है। तो शब्द सम्मानीय रहते हैं, सम्मान सूचक रहते हैं, तो शब्द सुनने पर आपको अच्छा लगता है। और जो शब्द सम्मानीय नहीं होते हैं, उन शब्दों को जब बोला जाता है तो बुरा लगता है। शब्द 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 ही है। सामने अगर कोई है, अगर पूछा जाए कि भैया ये कौन है, तो उसके दो उत्तर है। कौन है? मेरी माँ है। कौन है? मेरी माँ है। आपसे किसी ने पूछा भैया कि ये कौन है, कह रहे मेरी पत्नी, मेरे पिताजी की पत्नी। अंतर है। पहले आपने क्या बोला? मेरी माँ है। अब आपने आपसे पूछा गया कि ये आपके साथ में है कौन है, तो आपने कहा कि मेरी माँ है। और दूसरे से पूछा गया कि ये आपके साथ में कौन है, तो उसने क्या बोला? मेरे पिताजी की पत्नी है। अब और भी शब्द जो रखना चाहे वो रख सकते हैं, क्योंकि वो शब्दों को मैं बोलूं तो अच्छा नहीं लगता। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आपको माँ कहने में कष्ट है, आपको माँ का परिचय देने में कष्ट है, इसलिए आपने क्या बोला? तो वो अच्छे है क्या शब्द? जो आप अपनी माँ के लिए प्रयोग में आने वाले शब्द कि आप बोलते कि ये मेरी माँ है, तो वो शब्दों का प्रयोग करना करके आप क्या बोल रहे हैं? मेरे पिताजी की पत्नी है। तो उसके आपकी सभ्यता पता पड़ेगी कि आपकी सभ्यता क्या है।
तो ऐसे ही जो शब्द परगणाएं हमारे बीच में आती है, सामने वाला जो भी कुछ कहता है, मैं आपसे बोलूं अभी तभी करके, तो आप भी मुझसे क्या बोलेंगे? अभी तभी करके बोलेंगे। तो आपने अभी तभी किया, मैंने अभी तभी किया, मैंने आपसे कहा भाई साहब आप कहाँ हो, आप भी कहोगे भैया जी हम यहाँ। माने सम्मान सूचक शब्दों के बोलने से सम्मान मिलता है और असम्मान सप्तक शब्दों के सुनने पर असम्मान मिलता है। लेकिन ज्ञानी जो जीव होता है, ये सामान्य व्यक्ति की बात है, जो ज्ञानी होता है और ज्ञानी व्यक्ति चिंतन मनन करता है, जैसे मैंने आपसे एक दिन कहा था कि आपने मेरे से कहा कि आप भैया जी जानवर हो, क्या बोला आपने मेरे से, क्या बोला भैया जी जानवर। अब आपने बोला मेरे से जानवर हो और बगल में बैठा हुआ जो मेरा मित्र है वो सोचने लगा कि कैसे व्यक्ति है हमारे भैया जी को जानवर कह रहे हैं, लेकिन भैया जी ने कुछ नहीं कह रहे। सामने वाले ने को जानवर का अर्थ नहीं मालूम है, सामने वाले को तो जानवर का अर्थ केवल चौपाय पशु है यही पता है, इसलिए सामने वाला क्रोध कर रहा है। लेकिन जिसको जानवर शब्द का अर्थ पता है, जान माने ज्ञान, जान माने ज्ञान और वर माने श्रेष्ठ, तो सामने वाला आपको अच्छा बोल रहा है कि खराब बोल रहा है, शब्दों की व्यवस्था है। सामने वाला आपको अच्छे से बोल रहा है, सम्मान सूचक बोल रहा है, भले ही आपके पास में ज्ञान नहीं है, आप कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन सामने वाले को ने आपको सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग किया, उसने कहा जानवर, और हम जानवर शब्द का अर्थ जानते हैं, इसलिए हम उससे कुछ नहीं कह रहे, कभी अच्छी बात है। लेकिन जो नहीं जानता है अज्ञानी जीव देश करने लगता है, लेकिन अज्ञानी जीव देश करता है और ज्ञानी जीव आचार्य कुंद कुंद की देशना को जब पाएंगे, तो उन्होंने अनेक स्थानों पर दिगंबर मुनिराज के लिए सां कहा, क्या कहा, सां माने बैल। अब एक आचार्य भी मुनि महाराज के लिए कह सकता है, हम नहीं कह सकते, बाप बेटे से जो चाहे वो कह सकता है, पिताजी अपने लड़के से जो चाहे वो कह सकते हैं, लेकिन वो कहने से कभी वो हो नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर बच्चा शैतानी करता है, हमने भी शैतानी की, आप लोग तो बच्चा जब शैतानी करता है और हद से ज्यादा शैतानी करता है, उस समय उसके मम्मी पापा सारी सीमाएं भूल जाते हैं कि इससे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, सारी सीमाएं भूल जाते हैं। वो बच्चा शैतानी कर रहा है, उसकी शैतानी करने पर कोई नहीं, लेकिन जब हद पार हो जाता है तो सामने वाले बोलने से चूकते नहीं है कि तू गधा है। और अब मुझे ऐसा शैतान व्यक्ति होगा तो क्या कहेगा, पिताजी ने अपने लड़के से क्या कहा, क्या कहा, तो मुझे ऐसा शैतान व्यक्ति क्या पूछेगा प्रश्न, अगला प्रश्न ये है कि मैं से गधा हूं तो फिर आप कौन कहता है, भाई आप ही ने तो कहा, किसी तीसरे ने तो नहीं कहा ना, जब आप मेरे पिता हैं और आप मेरे से कह रहे हो गधे कहेंगे तो मैं गधा हूं, ये तो स्वाभाविक है क्या, मेरे पिताजी भी और महा होंगे भाई, श्रेष्ठ है कि नहीं है, पिताजी हमारे श्रेष्ठ है कि नहीं है, तो पिताजी को बोलने के पहले, माँ को बोलने के पहले कि सोच रहा है कि मैं बच्चे, भले शैतान बच्चा है, उस शैतान बच्चे से किन शब्दों का प्रयोग करना है और किन शब्दों का नहीं करना, तो उन शब्दों का सीधा असर आपके पास जाएगा।
उन शब्दों का सारा संबंध आपसे जुड़ा हुआ है। ध्यान रखना, बच्चे की जितनी भी शैतानी है वो सब आपके संस्कार से। नहीं, आप पढ़ लीजिए मदालसा का चरित्र। इसका चरित्र मदालसा पढ़िए, बहुत अच्छा। उस मदालसा का चरित्र पढ़िए, दुद्दोसी निरंजनोसी, जहां आराम से परिवार रह रहा है और जब बच्चा गर्भ में आ जाता है सर से पहले जानकारी होती है उस बच्चे की माँ को, उसको सबसे पहले जानकारी हो जाती है। और जब जानकारी होती है तो गर्भ में रहते ही वो संस्कार देना चालू कर देती है। सुद्दोसी बुद्दोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्तन, ऐसी चिंतन मनन करती है और एक दो नहीं तीन नहीं सात लड़कों को मूल बनाती है। पूरे सात लड़के मुनि मार्ग पर चलना चालू हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं। और जब सात लड़के जिसके मुनि बन गए हो, यद्यपि संस्कार तो किसने दिए हो, मान बेटा को तो मालूम नहीं है, तो माता प्रसन्न है, खुश है कि मैंने जो संस्कार दिए हैं वो संस्कार आज फलीभूत हो रहे हैं। लेकिन बच्चों के पिता चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। और जब उनके पिता उदास हो जाते हैं तो एक दिन वो मदालसा अपने पति से पूछती हैं कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं, आप गुमसुम क्यों हैं, आपके उदास रहने का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा उदास का कारण ही ये कि अपने कुल के दीपक कितने हैं ये सब मोक्ष मार्ग पर जा रहे हैं, मुनि बन रहे हैं, कोई एकांत घर पर रहना चाहिए, बस व्यवस्था तो चलना चाहिए। जब उन्होंने ऐसा कहा तो कहते बस इतनी सी बात है, अरे उस पर आपको चिंता होने की आवश्यकता क्या है, आप इस बात की बिल्कुल भी चिंता ना करें। अगला बच्चा जब आया आठवें नंबर का, तो उन्होंने सुद्दोसी बुद्दोसी निरंजनोसी ये लोरी को नगाकर तुम वीर हो, तुम महावीर हो, तुम योद्धा हो, इस प्रकार की लोरिया के संस्कार उनका डालना चालू कर दिए। और संस्कार देने पर पूरा मजबूत कर दिया उसको युद्ध के मामले में, कौन कौन सी चीजें कैसी हैं। और जो बच्चा आया तो आते ही उसके हाथ पर उस हिसाब से चलने लगे और शुरू से ही अपना योद्धा बनना चालू हो गया। जब उसकी योद्धता की तरफ देखकर बच्चे की देखकर के वास्तव में लिया, राज संभालेगा, राजपाट संभालेगा, तो छोटे से बच्चे की उम्र में ही वो मुनि बन गए। उनको ये दिक्कत नहीं थी कि मेरे बच्चे मुनि बन रहे हैं, उनको ये चिंता थी कि मैं कब मुनि बनूंगा। भाई बच्चे मुनि बनते चले जाएंगे तो फिर घर में कोई गद्दी संभालने वाला तो होना चाहिए। और जब आठवें बच्चे को संस्कार दिए तो जब उनको विश्वास हो गया कि ये बालक का मुनि नहीं बनेगा क्योंकि इसकी पराक्रमता अलग है, तो बस छोटे से का रूप समझ के पिताजी भी उनके मुनि बन गए। तो ये उनके ऊपर भरोसा है, इसको मां को, माँ को भरोसा है कि मैं बच्चे को जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ, जैसे संस्कार डालू वैसे संस्कार बच्चे में आ सकते हैं। और बच्चा शैतानी कर रहा है, बच्चा यदि आज गलत मार्ग पर चल रहा है, ये बात पक्की है कि कोई भी माँ अपने बच्चे को गलत रास्ता नहीं दिखाती है। लेकिन गर्भ में रहते हुए आपने अच्छे संस्कार नहीं डाले, गर्भ में रहते हुए आपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार नहीं डाले हैं, उसका ही दुष्प्रभाव बच्चों में देखा जाता है, कोई अलग से संस्कार नहीं है। छोटी छोटी बातें रहती हैं, सामान्य बातें रहती हैं, उन बातों को महिलाओं को विशेष ध्यान रखना। माँ जिनवाणी में लिखा है
कि जिस समय आपको मंदिर नहीं आना है उस समय आपका क्षेत्र सीमित होना चाहिए। सीमित होने का मतलब जहां आप है वही। आपको भोजनशाला में नहीं जाना चाहिए, आपको भोजन नहीं बनाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? जो संस्कार होते हैं जिस घर में, उस घर में या तो पुरुष भोजन बनाता है और नहीं तो तीन चार दिन की लकी बना के रख दी जाती है, पूरी तुम भी खाओ और हमको भी खिलाओ। लेकिन सामने वाला ये सोचे कि अब कौन बनाएगा कौन नहीं बनाएगा, तो उस समय यदि आप भोजनशाला में हैं और भोजनशाला में बना रहे हैं कर रहे हैं, तो आप उस समय अपना परिचय अच्छा नहीं दे रहे हैं। उससे जो बरगड़ाए जाएंगी, चाहे भोजन बनाओ चाहे कुछ करो, वो बरगड़ाएं अच्छी जाने वाली नहीं है। और जब परगनाएं अच्छी नहीं जाएंगी तो उनका असर तो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। इसलिए अपने को ये ध्यान रखना है हम कितने संस्कारित रहेंगे, क्योंकि आपकी व्यवस्था में पुरुष को नहीं मालूम, उनको जानकारी नहीं है। लेकिन आप सावधान रहिए, आपका क्षेत्र सीमित होना चाहिए जहां से आप इधर उधर ना हो, और आवश्यकता पड़े तो बस थोड़ा बहुत जब चलिए हो आए। बिस्तर आपके अलग होना चाहिए, कपड़े आपके अलग होना चाहिए, भोजन की थाली आपकी अलग होना चाहिए, और उसके बाद जब आप व्यवस्थित हो जाए तो आपको पूरी चीजों की व्यवस्थित करना चाहिए। यानी कि भोजनशाला में तो आपको जानी चाहिए कि संस्कार कब से दिए जाते हैं शुरू से। और दूसरी चीज एक विशेष ध्यान रखना, जिस समय उनको मंदिर नहीं आना है अब उस समय क्या करें? मंदिर आना है तो मंदिर में आके समय कट जाता है, जाप देते हैं जाप में समय कट जाता है, स्वाध्याय करते हैं स्वाध्याय में समय लग जाता है, और घर के कुछ काम भी करना है तो वो भी कर लेते हैं उसमें समय कट जाता है। अब समय कैसे काटे? तो बहुत से लोग तो उस समय काटने की अपेक्षा कुछ ऐसे भी घर के काम करते रहते हैं, कुछ लोग मालाएं बनाते रहते हैं, माला बना, कुछ लोग सोलन साधन का काम करते रहते हैं। नहीं, उस समय आप बिल्कुल टोटली फ्री रहते हुए आप जितना चिंतन कर सके उंगलियों पर करें, शब्द परगनाओं से भी आपकी जनवाणी के शब्द बाहर नहीं आना चाहिए, और उसके बाद की आपकी जो विशुद्धि रहेगी, क्योंकि इतने ही तो कि आप समय कैसे काटें, मौन पूर्वक शांत, किसी से बोलने की आवश्यकता नहीं है। और आपने वो समय को यदि मौन से गुजारा है तो स्वाभाविक है आपके घर के संस्कार बहुत अच्छे हैं। हमने ऐसे दो चार घर देखे कि जब उनको भोजन नहीं बना भोजन बनाते हैं, तैयारी करते हैं, यानी कि वो भोजन बना के वहां पर पहुंचा देते हैं। इसका मतलब है कि घर संस्कारित। तो बच्चा यदि आज गलत टाइम पर है तो उसकी पूरा का पूरा अच्छा और बुरा का श्रेय एक नंबर माँ को जाता है, दूसरे नंबर पर पिता को जाता है। क्योंकि तो आप सब कुछ करते हैं, बच्चों को समय नहीं देते। एक छोटा सा बच्चा था, उसने अपने गुल्लक में पैसे जोड़ रखे थे, गुल्लक में पैसे जोड़ रखे थे। अब गुल्लक में जब पैसे उसने जोड़ रखे थे, एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी आपको बाजार में जाते हैं मार्केट में जाते हैं, आप एक घंटे में आपकी कितनी आमदनी कितना कमाते हैं? सोचना, विचार करना, आप जितने भी बैठे हुए हो सबसे पूछा जाए किसके लिए कर रहे हो? बच्चों के लिए। एक ही प्रश्न अगर किसी पुरुष से पूछा जाए, भैया जी आप क्या कर रहे हो, तो उनका केवल एक जवाब रहता है, बच्चे पाल रहे हैं। कभी वो ये नहीं कहते कि हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं, इसको पाल रहे हैं।
और बच्चे पाल रहे हैं, बच्चों की देख रेख में लगे हुए हैं, बच्चों की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन कभी अपने आप से पूछा कि बच्चों को आप समय कितना दे रहे हो? बच्चे पालने का मतलब ये नहीं है कि 16 घंटे घर से बाहर रहो और बच्चे पल रहे हैं। इतना आप कमा के क्यों रख रहे हो जो आपको छोड़ के जाना पड़े? इतना आप कमा के पाप कमा के क्यों जा रहे हो जिसका उपयोग आप खुद ना कर सको? ज्ञान दर्शन कहता है, नीति कहती है, यदि पुत्र कुपुत्रा व्यर्थो ही धन संचया। यदि पुत्र सुपुत्र है व्यर्थो ही धन संचया, क्योंकि वो अपने आप तक कमा लेंगे। यदि आपका पुत्र होनहार है, आपका पुत्र यदि योग्य है, तो आपको पैसे कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो अपनी बुद्धिमत्ता से कमा लेगा। और वह पुत्र आपका सुपुत्र नहीं है तो आप छोड़ के भी चले जाओगे तो वो अर्घम कृपा सहा कर देगा, समाप्त कर देगा। तो आप बच्चों के लिए कर रहे हो, लेकिन बच्चों के लिए करते हुए कभी आपने सोचा कि मुझे अपने लिए भी करना है? अपने लिए कुछ करना है ये जरूर चिंतन मनन करना। तो छोटे से बालक ने अपने पिता से पूछा कि आप एक घंटे में कितना कमाते हैं? उन्होंने कहा कि एक घंटे में इतना कमाते हैं। और उसने अपने गुल्लक में देखा कि कितने पैसे हैं इसमें, फिर उसने देखा कि अभी 2-4 रुपए और कम है। तो जब और जितने पापा ने बताए थे, फिर 2-4-5 दिन में वो और इकट्ठे हो गए। और इकट्ठे होने के बाद जब पापा डेली प्रतिदिन की तरह घर से जाने लगे, तो उन्होंने कहा आपके आधा घंटे के पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आधा घंटा मुझे दे दीजिए। आप जो कमाते हैं बाहर, तो कमाने वाली राशि जितने पैसे आप आधा घंटे में कमाते हैं उतने पैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आधा घंटा मुझे कम से कम दे दीजिए। मेरी बात को आप समझ गए? आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, लेकिन घर परिवार जिसके लिए आप न समय पर भोजन कर रहे हैं, न समय पर उठ रहे हैं, न समय पर बैठ रहे हैं, उनके लिए आप कितना समय दे रहे हैं? और जब उनके लिए आपके पास में समय नहीं है, बच्चों के लिए आपके पास में समय नहीं है, तो फिर बच्चे अपना समय कहीं ना कहीं तो गुजारेंगे। और जहां गुजारेंगे, जिसके साथ में गुजारेंगे, उसके संस्कार कभी अच्छे हो ये कोई जरूरी नहीं। घर परिवार के माँ बाप के तो संस्कार अच्छे मिल सकते हैं, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी के संस्कार अच्छे हो कोई भरोसा नहीं है। इसलिए हम अपने बच्चों को समय दिए, अपने बच्चों के लिए अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, कुछ अपने लिए भी कर। भगवान की आराधना, भगवान की पूजा, जाप, अनुष्ठान, जो कुछ भी है, कुछ अपने लिए भी कीजिए। आज जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप लोगों से सोचना, विचार करना, चिंतन करना, आप मकान बनवाओ और मकान बनाने के लिए लेबर जो भी आप लेंगे उनको कितने पैसे देते हैं? 300, 350, 400 जो भी व्यवस्था हो, आप 400-500 रुपए रोज आप उनको देते हैं। कभी देखा आपने 9 बजे बुलाया है तो वो कितने बजे आते हैं? और उसके बाद अपने साथ में भोजन ले जो लेके आते हैं, और जब 1 बजे उनका हाफ टाइम आता है, उनका जो भोजन जो सुबह 8 बजे आने के पहले जो केवल रोटी लेकर आए हैं, थोड़ा सा कुछ अचार लेकर आए हैं, थोड़ा सा मिर्च मसाला लेकर आए हैं, और ज्यादा मिष्ठान ले आए होंगे तो एक गुड़ की ढेरी ले आए होंगे। पुराने जमाने में गाँव में गुड़ बहुत बड़ी मिठाई रहती थी, और उतना भोजन लाने के बाद में आराम से भोजन करते शांति से 1 घंटा, और रविवार की छुट्टी। सोचना, डेली कमाना, डेली खर्च करना,
तो डेली कमाने वाला, डेली खर्च करने वाला रविवार की छुट्टी मनाता है। और हमारा क्या, हम डेली कमाने वाले हैं? हमारे पास में कितना नहीं है, क्या हम उससे भी कह देते हैं कि रविवार की छुट्टी होने पर, बुधवार की छुट्टी होने पर, गुरुवार की छुट्टी होने पर आधा चक्कर खोल के बैठ गए? सोचने, विचार, चिंतन करना, माने हमसे वो कहीं जाके श्रेष्ठ है कि जो प्रतिदिन कमा रहा है और प्रतिदिन कमाने के बाद भी रविवार की छुट्टी रख रहा है। नहीं आएगा आप उसको, चाहे कुछ कर लीजिए, नहीं आना माने नहीं आना, आपका कुछ भी काम कराओ, आप दूसरी लाओ, हुआ था लगे, लेकिन रविवार की छुट्टी तो श्रेष्ठ है कि नहीं? दुकान का टाइम टेबल फिक्स है, कितने बजे खोलना और कितने बजे बंद करना, और मान के चलो एक घंटे पहले कोई ग्राहक आ जाए तब तो क्या करोगे? अरे भैया रुक जाओ, और दुकान बंद करने का समय है, 8 बजे दुकान बंद करने का समय है, और फिर कोई ग्राहक आ जाए और बैठा रहे तो फिर 8 के 9 भी बच जाए, 9:30 भी बच जाए, 10 भी बच जाए, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन उसके जहां 5 बजते हैं बस, तो हाथ धोना उसमें चालू, और जहां हाथ धोए तो चाहे आपकी आधी ईंट और लगना हो, 2 ईंटों का काम और लगा हो, ऐसे तुम ना बुलाओ, उसकी कोई चिंता नहीं है। उसको जो कितने निश्चिंत है, उनको कोई विकल्प नहीं है, आराम से रहते हैं, और शनिवार को अपना पैसा ले जाते हैं, और 7 दिन की अपनी व्यवस्था बनाते हैं, 6 दिन की कोई किनारा, जो कुछ भी खरीदना है वो खरीद के 1 दिन आराम से अपना जो करना है। तो हमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी उनकी गुजर रही, उनके घर में पंखा नहीं, उनके घर में कूलर नहीं, उनके घर में एसी नहीं, लाइट चली जाए तो कोई विकल्प नहीं, उनके जो खिड़कियां हैं, उनके जो दरवाजे हैं, उनसे ऐसी हवाएं आती है कि जहां एसी कूलर पंखा है, और हमारे यहाँ अगर थोड़ी देर में लाइट चली जाए तो कितने भगन हम बिजली घर वाले को सुना देते हैं। तो विचार, थोड़ी देर के लिए भी लाइट चली जाती है तो हम ना जाने कितनी भजन